नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। योगी राज में कानून व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पीएमओ सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान दबंगों ने आज जमकर गुंडई का नंगा नाच किया। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना के किसुनदासपुर में दिन में करीब 40 से 50 की संख्या में दबंग पहुंचे और करीब 25 राउंड हवाई फायरिंग करते हुए यहां मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों को मारना पीटना शुरू कर दिया। अचानक हमले के बाद अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। किसी तरह से पुलिस को सूचना दी गई, तब जाकर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस अब तोड़फोड़ व फायरिंग से इनकार कर रही है, लेकिन मौके पर काम कर रहे लोग और वहां के हालात सब कुछ बयां कर रहे थे। अभी 21 दिसंबर को ही किशनदासपुर में जहां फायरिंग और मारपीट हुई थी, वहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और अधिकारियों से मीटिंग में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के माफिया व दबंगों के दखल को लेकर आगाह किया था। खास बात यह भी है कि यहां से कुछ दूर पर ही पीएम 14 जुलाई को आकर पूरे तामझाम के साथ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर गए थे। अब जिस प्रकार से यहां कार्यदायी कंपनी के लोगों पर धावा बोला गया, वह निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। खुद यहां पर मौजूद इंजीनियर व सिक्योरिटी सुपरवाइजर और मजदूर यहां की स्थिति को बता रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला, अब संगीनों के साए में यहां पर काम हो रहा है। वही घटना की तस्दीक करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने तोड़फोड़ व फायरिंग से इनकार किया है। मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है जी। आप इस कंपनी के? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हैं। कौन कंपनी का नाम क्या सर? पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड किशनदासपुर आजमगढ़। जी जी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है 6 लेन का। जी जी। यहाँ पे गिट्टी की गाड़ियाँ खाली हो रही थी जी। सभी इंजीनियर अपने अपने जगह पे अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे जी। 20-25 लोग आए और फायरिंग करते हुए लेबरों को दौड़ाने लगे, जिसकी सूचना मैंने पुलिस विभाग को दी और पुलिस विभाग के लोग तुरंत आए और तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले 100 नंबर पे हमने नहीं किया, हमने एसपी साहब को किया। बजे गोली चली सर। तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने कई थानों की फोर्स भेजी यहाँ पे नाजर हमारी तरफ। पुलिस के सायरन को सुनते हुए जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो तुरंत यहाँ से गायब। अच्छा, भाग। एक कई बजे घटना है सर? ये घटना 10:39 की। अच्छा सर, कंपनी से तो कोई मतलब है नहीं, ये तो ठेकेदारों की आपस की लड़ाई थी। कंपनी से कोई मतलब नहीं है, जो भी ट्रक आते हैं जी जी उसको अनलोडिंग कराने के लिए जो है पैसा ड्राइवरों के द्वारा दिया जाता है। जी जी। कंपनी से उनका कोई मतलब नहीं है। जी जी। और लेबर जो है गाड़ियों को अनलोड कर रही थी और उसका विरोध करते हुए कुछ लोग आए और फायरिंग करते हुए लेबर को दौड़ाया। लेबर को दौड़ाते हुए देख करके हमने पुलिस को सूचना दिया जी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कैंप में आई और सायरन सुन करके जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो तुरंत यहाँ से भाग लिए। अच्छा सर, ये कौन लोग हो सकते हैं, कुछ प्रकाश डालिए इस पे? यही लोकल के कोई लोग हैं। लोकल के लोग? हाँ, जिनको हम नहीं पहचानते हैं। हाँ। क्या भैया, आप लोग यही काम कर रहे हैं क्या? सबरमा थे आप लोग जो ठाए ठाए हुआ है? अच्छा, यहाँ गोली चलेगी, कौन रुकेगा? सब वहाँ खड़े, सब भाग गए थे। अरे कितने राउंड गोली चली? लावजा क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे भाई, जो कांड हुआ, मान लो जो किसी को गोली लगी नहीं, लेकिन 25 राउंड तो फायर हुआ है। अच्छा, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है यहाँ? पुलिस है, आपका डर? अब पुलिस है? हाँ, दो 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 राउंड पुलिस है। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ सब ये पूर्वांचल से एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, तो आप लोग कहाँ थे जब गोली चली? हम लोग भाग गए, गोली की आवाज़ ही सुनी। गोली पीछे, पीछे भाग गए? ये सीओ साहब जो है इनको बयान देना। पढ़ रहे थे। हाँ जी, क्या कर रहे थे? बम्बा में पढ़ी थी हम। तुम बम्बा में घुस गए थे जब गोली चली? तो झांसी से आ रहे, पेट के लिए गोली लग जाती तो मर जाते। अरे बाल बच्चे होंगे तुम्हारे? आपका नाम? राज यादव। राज यादव, यूपी के? आप भागे क्यों? जान सबको प्यारी है। आपकी भी झांसी घर है? हाँ। यहाँ पे आप क्या ठेकेदार हैं सर? नहीं, काम देखता हूँ, ठेकेदारी का ही। ठेकेदारी का काम देखते हैं, ठेकेदार कोई और है। तो ये किसमें हुई है, कुछ पता चला? सप्लाई में हुई, जिसकी भी पता नहीं। अच्छा, सप्लाई वालों में हुई है, सप्लाई के जो ठेकेदार। अच्छा, 6 लेन पे जो है कुछ बवाल हुआ था, क्या पूरा मामला था? ये ग्राम किशनदासपुर थाना क्षेत्र तैबरपुर में एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, वहाँ पे इनका वर्कशॉप है। 100 नंबर पर एक सूचना आई थी कि वहाँ पे कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वहाँ पे पुलिस भेजे गए थे, थाना प्रभारी गए थे, जहाँ पे ये जानकारी मिली कि मजदूरों के काम करने को लेकर के दो लोगों में विवाद था। कुछ वहाँ सामान उतर रहा था ठेके
ठेके पे जो काम कर रहे हैं उनके बीच में, इसकी जांच की गई। फायरिंग होने की बात अभी सत्य नहीं पाई जा रही है। जो वहाँ पे यूपीडा के अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है और ये जानकारी हुई कि कुछ लोगों में मारपीट हुई थी। फायरिंग की बात सही नहीं पाई गई है और पुलिस को कोई इस संबंध में तहरीर भी नहीं मिली है। अगर कोई तहरीर या कोई बात होगी तो उसकी कार्रवाई की। सर, मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका सख्त निर्देश था कि जिसे जो चौहत्तर एक्सप्रेस का काम चल रहा है उसमें अराजक तत्वों का रोड़ा ना रहे, लेकिन यहाँ ठेकेदारों की वर्चस्व में गोलीबारी की सूचना है। हाँ, इस संबंध में पूरी जांच की जा रही है, अगर जिसकी भूमिका आएगी उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। उसमें सर तोड़फोड़ क्या चीज़ें? तोड़फोड़ की बात नहीं पाई गई है, केवल मारपीट की बात बता रहे हैं। मारपीट हुई है वहाँ पर, दो मजदूर पक्षों में दो ठेकेदारों के अलग अलग लोग हैं जिन्होंने की आपस में मारपीट हुई। काम चल रहा है सर, वहाँ पुलिस तैनाती है? काम चल रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।